बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट टू बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है फ़हीम खालिद। फ़हीम खालिद का काफ़ी ज़्यादा वेट था और बहुत सारे मसाइल का शिकार थे। आज फ़हीम खालिद अपने चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास आए हैं, तो आइए देखते हैं कि इनका कितना वज़न था, कितना हुआ। फ़हीम साहब जो हैं अपना एक्सपीरियंस ख़ुद बताएंगे, इनका मोटापा कम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम खालिद साहब। वालेकुम सलाम तुफैल शरीफ साहब। मैं आज डॉक्टर साहब के पास आफ्टर 8 मंथ्स जो उनसे आज आया था डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए, और मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो 147 से स्टार्ट हुआ, और जो 8 माह में मैंने 58 kg जो उनसे अपना लूज़ किया, और आज मैं 89 kg पे जो सा है स्टेन कर रहा हूँ, और मज़ीद जो सा है मैं जो सा इसको नीचे मेरा वज़न आएगा जो सा, ये शोल्डर्स और ये चीज़ कम हो चुकी है काफ़ी, और ये जो सा मेरा सिर्फ अब ये पेट का जो सा आप देख रहे हैं ये कम होना है। फ़हीम खालिद साहब, आप मोटापे के साथ साथ और किन किन मसाइल का शिकार थे? मुझे मोटापे के अलावा जो सा है शुगर थी, ब्लड प्रेशर थी, और जो सा बैक पेन बहुत सी, मतलब बैक पेन का ये था कि मैं एक दफ़ा सीरियसली इतना मतलब स्ट्रेस हुआ कि गाड़ी में बैठ के मैं डॉक्टर के पास जाते वक्त ना मुझसे बैठा जा रहा था ना मुझसे मतलब खड़ा हुआ जा रहा था, मतलब आधा घंटा जो सा वो मुझे इंजेक्शन देते रहे जो मेरी बैक पेन जो सी यानी ठीक हुई। शुगर पहले कितने थी आपके? मेरी शुगर वो फास्टिंग 225 तक पहुंच चुकी थी, और जो इस वक्त 95-85 यहाँ पे फास्टिंग आ गई है। और ब्लड प्रेशर कितना? ब्लड प्रेशर मेरा 100/150 ब्लड प्रेशर था, जो इस वक्त 75/117-120 पे रहा। अब की और पहले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? पहले ये है कि मैं बाहर अपने घर से बाहर जाने में मतलब किसी गैदरिंग में जाने में हिचकिचाता था, और मतलब दोस्तों में नहीं मतलब ज़्यादा मिलता था, घर पे ज़्यादा स्पेंड करता था अपना टाइम। लेकिन अब ये है कि दिल करता है कि बाहर जाऊं मिलूं किसी को, मतलब कोई मुझे देखे, मुझे मेरी तारीफ़ करे। फ़हीम खालिद साहब, आपकी वेस्ट पहले कितनी थी और अब कितनी है? मेरे पहले तो मैं शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा पहनता था, क्योंकि मैं पेंट जो सी है मतलब एक ड्रेस के हिसाब से अच्छी भी नहीं लगती थी। मैं बिग साइज़ जो से हैं कुछ चंद दुकानें थी जहाँ से मैं अपनी शॉपिंग करता था, तो पहले मेरा 34 मतलब घेरा था कमीज़ का, जो इस वक्त 24 पे आ गया। जब आपका वज़न कम हुआ तो यकीनन आपको खुशी तो हुई होगी, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली में, दोस्तों में और किस किस को खुशी हुई? मेरी मदर को हुई, मेरे घर वालों को, सबको, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, सब जो से बहुत मतलब अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। क्या लोग मजाक भी करते थे आपको मोटापे की वजह से? मुँह पे तो जो सा मतलब आपके सामने कोई दोस्त मुँह पे कर देते, लेकिन बैक पे हर कोई जो सा है मतलब मजाक करता था, देख के मतलब मुंह फेर के जो सा है हंसना, इस तरह की सूरत हाल थी। फ़हीम खालिद साहब, पूरी दुनिया में जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे जो मोटापे का शिकार हैं? मेरा पूरी दुनिया के लिए जो मोटापे से रिलेटेड बंदे हैं उनके लिए यही पैगाम है कि जो सा है ये एक मोटापा एक हमारी बीमारी है, जो हम एक हार्ट के लिए अपनी सर्जरी करवाते हैं या कोई और पथरी के लिए किसी चीज़ के लिए, ये एक वो है जिसके जो मोटापा हम उसके लिए किसी से मिल नहीं पाते। मोटापा एक हमारे लिए मौत है, एक डेड एंड है, जिससे एक साइलेंट हार्ट अटैक भी आ सकता है और वो हमें पता भी नहीं लग सकता। और मेरा पैगाम यही है कि जहाँ से भी बंदा ऑपरेट करवाए, लेकिन इस चीज़ का होना चाहिए, आपका इलाज होना चाहिए और अपनी आप लाइफ में बैक आना चाहिए। मेरी तरफ से डॉक्टर माज साहब के लिए बहुत दुआएं हैं कि हम एक अपनी एक लाइफ में वापस आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम खालिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, अगर आप भी मोटापे जैसे मुझी मर्ज़ का शिकार हैं और अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर माज़ उल हसन बैठते हैं शालीमार हॉस्पिटल लाहौर, अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स जेल रोड लाहौर, अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड लाहौर, और डॉक्टर्स हॉस्पिटल
कैनाल रोड लाहौर। और नाज़रीन अगर आप रब्ता करना चाहें और फ़ोन करना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03-21-14-67-063 और वेबसाइट है www.drmoc.com। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफैल शरीफ को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।